मैं रोज पूजा के वक्त ये भजन गाकर आपको याद कर लेती हूँ। आज इस लड़की ने हमें रुला दिया उर्वशी। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी आंखों के पीछे कितने आंसू हैं। किस किस वक्त के आंसुओं का बह जाना ही अच्छा है बड़ी माँ। माँ कहती थी आंसू निकल जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है और सिर्फ हंसी रह जाती है, और हंसी तो जीने के लिए बहुत जरूरी है ना। तुमने आने की खबर क्यों नहीं दी? मैं सोच के आई थी मेरे आने की खबर आपको मेरे गाने से ही मिलेगी। पता है भाभी, बड़ी माँ जितना अच्छा गाना गाती है ना उतना ही अच्छा खाना भी बनाती है। हाँ? नहीं यकीन हो रहा, बड़ी माँ आज रात का खाना आप बनाएंगे। ठीक ही तो कह रही है मम्मा, बहुत देर हो गया आपके हाथों का खाना नहीं खाया। चलिए ठीक है, आज रात के खाने की जिम्मेदारी हमारी, और मैं आपके साथ सब्जी काटूंगी। मैं करण भैया से तो मिली नहीं, कहाँ है वो? अपने कमरे में है, जाओ मिलाओ। क्वाइट। अरे पहले मेरी बात तो सुन लो। देखो आज मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, कल ऑपोजिशन वाले हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने वाले, कईयों के दिमाग सेट कर रहे हैं। डालिंग आज और कल बिल्कुल फुर्सत नहीं है, मैं परसों फोन करता हूँ ना। हाँ अरे लव यू, टेक केयर, बाय। भाभी कृतिका, भाभी भी नहीं कृतिका भी नहीं, अरे कौन है भाई? नहीं पहचाना? नहीं, हार गए? अच्छा बाबा हार गए। अच्छा आंखें मत खोलना, हाथ आगे करो, ये लो। अकर बकर बम्बे को 80-90 पूरे 100 में लगा था आगा, जो निकल के भागा। पहले राखी कृतिका बांधे, चलो हम साथ बांधते। ये क्या करी? कितने सालों बाद इस कलाई पे तेरी राखी बंधी। What a pleasant surprise, तू कब आई? आज ही। आज ही? गायत्री सर अचानक, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है करण भैया, लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें अचानक मिले तो अच्छा लगता है ना। वो कुछ चीजें तेरे जैसी हो तो, और अगर भाई आपके जैसा हो तो और भी अच्छा लगता है।